देखो कल मैंने यूज ऑफ हैज पढ़ाया था ना, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैव। हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसका हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि यू हैव जो है लगाया कहाँ जाता है। हैव जो है वी यूज हैव विद प्लूरल नाउंस एंड प्रोनाउंस। प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन के साथ में, ठीक है। मतलब जहां एक से अधिक चीजों का वर्णन हो रहा हो वहां पे क्या यूज करेंगे? है। क्या यूज करेंगे? है, ठीक है। वी आल्सो यूज हैव व्हेन वी टॉक अबाउट वन सेल्फ और एनी अदर पर्सन। वन सेल्फ मतलब या तो हम खुद के बारे में बात कर रहे हो या हम थर्ड पर्सन या किसी के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं बोला मेरे पास एक कार है, क्या है? मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। क्या? आई हैव अ कार, हैव का यूज करेंगे। या बोले कि हमारे पास एक कार है तो वी हैव अ कार, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर जो हम किसी अदर पर्सन का यूज करते हैं, ठीक है, अदर पर्सन के लिए, ठीक है, दे लिखो, ठीक है, मान लो उनके पास, उनके पास क्या है? कार है, तो दे हैव अ कार, ठीक है। क्या बोलेंगे? दे हैव अ कार। तो पहले तो हम अपने बारे में बोला कि मेरे पास कार है, तो मैंने क्या किया? आई हैव अ कार। जब मैंने बोला उसके पास कार है या उनके पास कार है तो दे हैव अ कार, ठीक है। तो जब हम अपने बारे में यानी वन सेल्फ और किसी अदर पर्सन के बारे में बात करेंगे उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे आई वी यू दे इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव का यूज करते हैं, ठीक है। और हैव क्या होता है? हैव आर नोन एज अ सपोर्टिंग वर्ड, ठीक है। ये भी एक क्या होता है? सपोर्टिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, हमारे पास क्या है? एक सुंदर घर है, ठीक है। तो किसके पास है? हमारे पास ना। अब हमारे में तो एक कोई होगा नहीं, सब लोग ना, मतलब जितने लोग हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एक सुंदर घर है तो वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है गर्ल्स हैव डॉल, ठीक है। गर्ल्स मीन्स क्या हो गया? लड़कियां, ढेर सारी लड़कियां, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? हैव, ठीक है। ऐसे यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है। तो यू हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में, यानी ये क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल में क्या यूज करेंगे? है। ऐसे ही आई है, आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे? टॉक अबाउट वन सेल्फ और एनी अदर पर्सन, मतलब अपने बारे में बात कर रहे हैं ना। अपने बारे में तो बताएंगे, जब कहेंगे मेरे पास एक गुड़िया है तो किसके बारे में बताएंगे? अपने बारे में। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया मैंने? हेल्प। ऐसे ही फिफ्थ वन है दे हैव नॉट फिनिश देयर होमवर्क, दे हैव नॉट फिनिश देयर होमवर्क, वे क्या किए? अपना होमवर्क पूरा नहीं किए, ठीक है। तो इसमें भी दे वे कौन से हुए? हम किसी के बारे में बोल रहे हैं ना, वे दे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो हम किसके साथ यूज करेंगे हैव का? पहले तो प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वन सेल्फ और अदर पर्सन के लिए, क्लियर है। हमेशा प्लूरल के साथ में, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और जहां पे वन सेल्फ और अदर सेल्फ अदर पर्सन के बारे में बात हो रहा हो वहां भी हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, क्लियर है।